हेलो एवरीवन, आज हम मैथ में जी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैजिक टॉप कैसे बनाते हैं वो वाला टॉपिक लर्न किया था। आज आगे लर्न करेंगे प्रैक्टिस टाइम। ए चॉकलेट बार, किसके बारे में लर्न करना है इसमें? चॉकलेट बार में किसको कितना पार्ट्स मिलता है उसके बारे में। मंजू हैड अ चॉकलेट, मंजू के पास चॉकलेट थी। सी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजीव, 1/3 टू सुगाथा एंड 1/6 टू शीला। मंजू ने क्या किया? 1/4 पार्ट है वो राजीव को दिया, 1/3 पार्ट है वो सुगाथा को दिया और 1/6 पार्ट है वो शीला को दिया, यानी कि 1/6। सी एट द रिमेनिंग पार्ट, बाद में जो बची वो मंजू ने खाई। हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट डिड इच गेट, अब राजी को, सुगाथा का, शीला को और मंजू को कितने पीसेस मिले होंगे वो बताना है। राइट हियर, यहाँ पे जो बॉक्स दिया है उसमें लिखना है। देखो, राजी को कितना मिला है? 1/4 मिला है, पर हमें तो पता नहीं है कि टोटल कितने पार्ट्स है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो चॉकलेट दी है उसमें से टोटल पार्ट्स है वो गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हैं? 12 पार्ट्स है। 1/4 पार्ट है वो राजी को दिया है, तो क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 12। क्या करेंगे अब, 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12, इसलिए ऊपर लिखेंगे 3 और 4 और 12 को कट करेंगे, 1 3 3, तो राजी को कितने पीसेस मिले? 3 पीसेस। उसके बाद है सुगाथा, सुगाथा को कितना मिला था? 1/3 पार्ट दिया था, क्या करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 12, 3 4 12, 3 और 12 कट करेंगे, ऊपर लिखेंगे 4 4 1 4, सुगाथा को कितना पीसेस मिलेंगे? 4 पीसेस। नेक्स्ट है शीला, देखो शीला को कितना पार्ट दिया था मंजू ने? 1/6 पार्ट दिया था शीला को, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 12, क्या आएगा, 6 2 12, 2 1 2, शीला को कितना मिलेंगे? 2 पीसेस मिलेंगे। अब क्या बताया था उसने, सी एट द रिमेनिंग पार्ट, मंजू ने कितना पार्ट खाया है, जो पार्ट इसमें से बचेगा उतना। वॉट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू इट, मंजू ने कितना पार्ट खाया होगा वो बताना है। टोटल पार्ट्स कितने हैं बच्चों? 12 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12, उसमें से ये सारे प्लस, पहले प्लस करेंगे बाद में माइनस कर देंगे, 3 + 4 + 2 + इतना ही, राजी का, सुगाथा का और शीला का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3 + 4 + 2 = 12 माइनस, ये तीनों का प्लस करोगे तो कितना होगा, 3 + 4 = 7, 7 + 2 = 9, क्या करना है हमें, ये तीनों का जो पार्ट है उसे प्लस कर देना है, बाद में 12 में से माइनस कर देना है, 12 - 9, तो कितना आएगा, 3 पीसेस। मंजू को कितने पीसेस मिले होंगे चॉकलेट के? 3 पीसेस। अब यहाँ पे क्या पूछा है, पार्ट बताना है, व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू इट, यहाँ पे कैसे बताया था, देखो कि उसने कितने पार्ट है वो राजी को दिया, कितने पार्ट सुगाथा को दिया, कितने पार्ट है वो शीला को दिया, वैसे ही यहाँ पे हम बताना है कि मंजू को कितना पार्ट मिला होगा, तो कैसे करेंगे, टोटल हमें पता है टोटल 12 पार्ट से, उसमें से 3 पीसेस मिले हैं, तो 3/12 कितना होगा, 3 4 12, 1/4 पार्ट है वो मंजू को मिला होगा। नेक्स्ट बी कलर द हेड्स, क्या करना है, यहाँ पे हेड्स दी है उसमें कलर करना है। कलर 1/3 ऑफ द हेड्स रेड, यहाँ पे टोटल हेड्स दी है उसमें से 1/3 पार्ट की हेड से उसमें रेड कलर फिल करना है। चलो गिनते हैं कितनी हेड्स दी है, यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, टोटल कितनी हेड्स दी है, 15।
टोटल 15 हेड्स, उसमें से 1/3 है वो रेड कलर के करनी है, तो क्या करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि टोटल कितनी है 15 है, 3 5 15, यहाँ पे लिखेंगे 5। नेक्स्ट कलर 3/5 हेड्स ब्लू, 3/5 पार्ट की हेड से उसे ब्लू कलर करना है, तो क्या करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 15, 5 3 15, 3 3 9। हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर रेड, रेड कलर की हेड्स कितनी की आप लोगों ने, यहाँ पे देखो कितने में रेड कलर करना है 5, तो क्या आएगा 5 हेड्स। बच्चों आपको कोई भी 5 हेड्स में रेड कलर फिल कर देना है। हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू, आप लोगों ने कितनी हेड्स में ब्लू कलर किया है, तो देखो यहाँ पे 3/5 हेड्स ब्लू करना है, तो कितनी हेड्स आएगी 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 हेड्स। और बच्चों आपको कोई भी 9 हेड्स है उसमें ब्लू कलर कर देना है। व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड, अब कितना पार्ट है उसमें कलर नहीं हुआ है, बच्चों यहाँ पे क्या बताना है हमें, पार्ट बताना है कि कितना पार्ट है उसमें, यहाँ पे जो हेड्स दी है उसमें कलर हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जो रेड कलर हुआ है और ब्लू कलर हुआ है उसका प्लस कर देंगे, ब्लू कलर कितना है 9, रेड कलर कितनी हेड में है 5 हेड्स में है, तो 9 + 5 कितना होगा 14 होगा, अब टोटल कितनी है हमारे पास 15 है, तो 15 में से 14 माइनस करेंगे, 15 - 14 इज इक्वल्स टू 1 हेड। हमें पार्ट बताना है, कितनी हेड्स में कलर हुआ वो बताना नहीं है, देखो यहाँ पे ये 1 हेड है वो क्या हुआ, कितनी हेड्स में कलर नहीं हुआ है वो, तो अब हमें पार्ट बताना है, तो कैसे बताएंगे इसका पार्ट, टोटल कितने हैं 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 और ऊपर लिखेंगे 1। बच्चों ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, पार्ट पूछा है, तो आपको ऐसे एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में डिस्प्ले करना है, और हाउ मेनी यानी कि कितनी हेड्स पूछा है तो उसमें डिजिट्स लिखने हैं कि काउंट कर करके कितनी हेड्स है। नेक्स्ट सी इक्वल पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का इक्वल पार्ट्स, द वाइट ट्राइंगल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे एक वाइट ट्राइंगल दिया है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है 3 इक्वल पार्ट्स में हुआ है। फिल ईच 1/3 पार्ट विथ अ डिफरेंट कलर, बच्चों आपको क्या करना है इसमें डिफरेंट कलर है वो फिल करना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर और यहाँ पे ब्लू कलर, आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर इसमें फिल करना है। कैन यू शो दैट दिस पार्ट्स आर इक्वल, क्या आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि ये सभी पार्ट्स है वो इक्वल है, थिंक हाउ, सोचो कि वो कैसे है, देखो आपको दिखाई देता है हाँ ये इक्वल ही है पार्ट्स, यस आई कैन शो दैट दिस पार्ट्स आर इक्वल, अब बताना है सोचना है कि वो कैसे, तो क्या आएगा दिस कैन बी डन बाय ड्रॉइंग अ ट्राइंगल ऑफ गिवन मेजर एंड डिवाइडिंग इट इन 3 पार्ट्स एज शोन हियर, कट आउट दिस पार्ट्स एंड अरेंज द पार्ट्स ऑन ईच अदर वाइल डूइंग सो, इफ ईच पार्ट फुल्ली कवर्स द पेपर कवर्स द अदर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल देन वी कैन से दैट दिस पार्ट्स आर इक्वल, देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल के पीसी से उसे कट कर देना है, तीनों के तीन ट्राइंगल को, बाद में जो पार्ट कट किया है वो एक के ऊपर एक वैसे तीनों पार्ट रखना है और देखना है कि वो तीनों के तीनों पार्ट्स सेम है, कहीं सभी जगह नहीं है, तो वो क्या है 3 पार्ट्स है वो इक्वल है। नेक्स्ट नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल इन अ डिफरेंट वे, कलर ईच 1/3 विथ अ डिफरेंट कलर, देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल में 3 पार्ट्स किए हैं और यहाँ पे ट्राइंगल में 3 पार्ट्स किए हैं वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है और क्या करना है हमें कलर करना है, डिफरेंट कलर करना है, यहाँ पे पिंक, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे येलो, आपको जो पसंद है वो कलर आप कर सकते हो। नेक्स्ट डी 6 पार्ट्स ऑफ ए रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल का कितने पार्ट्स है? 6। रानी हैज डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। रानी ने क्या किया, यहाँ पे देखो ये ग्रीन रेक्टेंगल दिया है, उसमें 6 इक्वल पार्ट्स है वो किए, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पार्ट्स है वो इक्वल है। अब यहाँ पे क्या है, नाव यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल दिया है, ब्लू कलर का रेक्टेंगल, येलो कलर का, और यहाँ पे भी येलो कलर का। यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। क्या करना है, ये तीनों रेक्टेंगल है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है फॉर डिफरेंट वे से। देखो यहाँ पे कैसे वे है, 3 ऐसे वर्टिकल और 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल, वैसे ही हमें कोई और 3 वे से इसे 6 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये ब्लू रेक्टेंगल में ऐसे डिवाइड किया है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट डिस्कस, हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। अब आप कैसे चेक करोगे कि ये रेक्टेंगल का सभी एक एक पार्ट है वो 1/6 ही है, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, हम लोगों ने अभी आगे ट्राइंगल वाले में देखा कि हम उसे कट करेंगे, बाद में एक के ऊपर एक रखेंगे, फुल्ली पार्ट है वो कवर हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि सभी है वो इक्वल पार्ट्स है। तो हम यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, दिस कैन बी डन बाय ड्रॉइंग रेक्टेंगल ऑफ गिवन मेजर एंड डिवाइडिंग इट इन 6 पार्ट्स इज शोन हियर। यहाँ पे जैसे दिखाई देता है वैसे ही हम उसे ड्रॉ करेंगे, बाद में क्या करना है उसे हमें कट करना है, तो क्या करेंगे, कट आउट दिस पार्ट्स एंड अरेंज इट ऑन ईच अदर, कट करेंगे बाद में एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट है वो प्लेस करेंगे। While doing so, if each part fully covers the other part, then we can say that all the 6 parts are equal. एक के ऊपर एक पार्ट रखेंगे और वो दोनों पार्ट है वो फुल्ली कवर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सभी पार्ट से वो इक्वल है। नेक्स्ट, द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। यहाँ पे पूछा है कि ग्रीन रेक्टेंगल है वो ब्लू वन से बिगर है। यहाँ पे है ग्रीन रेक्टेंगल, यहाँ पे है ब्लू रेक्टेंगल। देखो बच्चों, ये ग्रीन रेक्टेंगल है वो ब्लू रेक्टेंगल से बड़ा है। हाँ, तो देखो दिखाई देता है ये वाला रेक्टेंगल है वो ये वाले रेक्टेंगल से बड़ा है, तो क्या आएगा, यस द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। नेक्स्ट, कैन वी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रीन रेक्टेंगल का 1/6 पार्ट है वो ब्लू रेक्टेंगल के 1/6 पार्ट से बिगर है, यानी कि एक एक पार्ट देखना है, ग्रीन रेक्टेंगल का एक पार्ट है वो ब्लू रेक्टेंगल के एक पार्ट से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 है तो इक्वल ही, दोनों में 6 पार्ट तो इक्वल ही है, तो क्या वो बड़ा है, तो क्या आएगा, यस बिकॉज द होल शेप ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू रेक्टेंगल। क्यों ये बड़ा होगा, ब्लू रेक्टेंगल का 1/6 पार्ट है वो बड़ा होगा क्योंकि होल शेप है वो ही बड़ा है, तो उसके जो अंदर के पार्ट्स है 6 वो बड़ा ही होगा। थैंक यू।